क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के जो टॉपर हैं भैया हैं 140 नंबर हैं, सबसे हाई श्रेणी के अरिहंत कॉलेज में सबसे हाई श्रेणी के आए हैं। क्या नाम सुनना? शिवम तिरोले सर। कहाँ से बिलोंग करते भैया? प्रॉपर खंडवा से हूँ, बट अभी हम उसागढ़ी पर रहता हूँ। तो कैसा क्या था आज का पेपर? आज का पेपर सर इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। हाँ, मैथमेटिक्स रीजनिंग कैलकुलेटिव थी, बट हाँ अगर पढ़ी हुई है कंसेप्ट पता तो बन जाएगा वो। मैथमेटिक्स किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा? अरिथमेटिक्स से ही नॉर्मल क्वेश्चन थे सर, बाकी एडवांस मैथ से वही दो चार क्वेश्चन होंगे, बाकी अरिथमेटिक का ही वेटेज था। जी सर, चैप्टर वही SICI है सर, टाइम एंड वर्क था, ट्रेन वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे, एलजेब्रा से क्वेश्चन थे, और CISI से क्वेश्चन थे। बोर्ड एस्टीम थे नहीं थे, ट्रेन से क्वेश्चन थे। इसके बाद करते हैं मेंसुरेशन से, अपने वॉल्यूम वगैरह से क्वेश्चन थे, सिलेंडर वगैरह, रेक्टेंगल। हाँ, उनसे एक या दो ही क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। हेक्सागोनल वगैरह से क्वेश्चन? नहीं नहीं, हेक्सागोनल वगैरह से नहीं था। नॉर्मल था कि अगर एक आयत है उसकी लंबाई 20% बढ़ा दोगे तो उसकी चौड़ाई कितनी कम करनी पड़ेगी, इस टाइप से क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया? ट्रिग्नोमेट्री से नहीं था। इसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन? नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड पूछी थी उसने। हाँ, स्टैटिक से? स्टैटिक पॉलीमर वगैरह से? नहीं नहीं नहीं, पॉलीमर वगैरह से नहीं। नहीं नहीं, अब बात करते हैं रीजनिंग में किस प्रकार की? रीजनिंग में वही जो आज तक पैटर्न आ रहा था वही आ रहा है, बस वही अल्फ़ाबेट और जो पैटर्न अभी तक आ रहा था वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और इसके बाद क्या साइंस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? साइंस में बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था आज। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन कम थे। कंपेरेटिवली बायोलॉजी में सर इकोलॉजी से क्वेश्चन थे, उसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, और काफ़ी डीप में थोड़े क्वेश्चन थे उससे। हाँ, जैसे ये कंधे की हड्डी है तो इसका विस्तार कौन सी हड्डियाँ आगे तीन होंगी, उन हड्डियों के नाम पूछे थे उसने इस टाइप से। और इसकी बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में हिस्ट्री में क्वेश्चन पाया? हिस्ट्री में वही एक क्वेश्चन तो वो गोदीवाड़ा पूछा था उसने, कहाँ पे है, और एक ही मुझे तो याद है अभी तक तो, बाकी MP का वेटेज था। पॉलिटी से नहीं था, MP का MP था और इंटरनेशनल करंट अफेयर था। MP ज़्यादा क्वेश्चन पूछे? हाँ, MP से ज़्यादा तो क्वेश्चन आए। इसके बात करते हैं हम इसमें हिंदी में सर काल अपने टेंस से क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, भूतकाल वगैरह से आसन्न भूतकाल के पूछे थे। उसके बाद ग्रामर वाले पूछे थे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। उसके बाद पर्यायवाची पूछे थे, अलंकार पूछा था। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में किस प्रकार? इंग्लिश में तो सर वही idiom phrases, synonym antonym पूछे थे, और मॉडल्स पूछे थे, प्रीपोजिशंस पूछी थी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन थे। पैराजम्बल? हाँ, एक्टिवस दो या तीन पैराजम्बल थे शायद। एक्टिव स्पेसिव वाइज के कम क्वेश्चन थे, लगभग 4 या 5 क्वेश्चन हुए एक्टिवेशन नरेशन के, दोनों के मिला के 4-5 क्वेश्चन हुए। अब बात करते हैं इसमें कंप्यूटर। कंप्यूटर में सर डाटाबेस मैनेजमेंट से थे, MS ऑफिस से क्वेश्चन थे, और फुल फॉर्म्स पूछे थे। और अब मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में मार्केटिंग से क्वेश्चन थे, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है उससे क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी वही प्लानिंग स्टाफिंग। आज के प्रॉपर आप ही हो तो बच्चों किस प्रकार तैयारी करने के लिए बोल सकते हो? वही सर, मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा। अच्छा है, सेंटर टॉपर में सबसे पूछे आप। अच्छा, सेंटर टॉपर तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा सर कि आप डेली एनालिसिस देखिए, एनालिसिस के बेस पर अपनी तैयारी स्टार्ट किए, क्योंकि मैं एनालिसिस देखा। हाँ, मैं एनालिसिस देख के तैयारी करके आया हूँ। दो सब्जेक्ट तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी पढ़ के आया हूँ। तो एनालिसिस देखिए, जैसा एनालिसिस 2 दिन पहले कौन कौन सा मैंने रीजनिंग कल ही पढ़ा है। अच्छा, कल ही पढ़ा। हाँ, और मैथ्स के भी कल ही थोड़े से देख के आया था, बाकी उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था मैं अरिथमेटिक की। तो कम से कम और टाइम मैनेजमेंट का कैसा? क्या टाइम मैनेजमेंट सर? टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी की है, क्योंकि मेरे भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में छूटे हैं, उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू भैया। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज के टॉपर ये भैया हैं, और पेपर बहुत अच्छा था। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।